फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि अकोला की सबसे बेस्ट चाय कौन सी है, तो आपको पता चलेगा कि वो है मुरली चाय। तो हम लोग आज आए हैं मुरली भाऊ के पास, जो कि अकोला में बहुत ही फेमस है। और ये फेमस है दो चीज़ों के लिए, एक इनकी चाय और दूसरा बाला साहेब जी ठाकरे के प्रति इनका आदर। तो देखेंगे तो इनका जो स्टाइल है वो बाला साहेब जी ठाकरे के जैसा है, और ये जो चाय है ये अकोला की सबसे फेमस चाय है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि मुरली भाई की जो चाय है वो बनती कैसे है और वो क्यों अकोला में इतनी फेमस है। मेरे को ऐसा लगता है लोगों के होटो पे चाय होना मुरली, बाकी कोई जरूरत नहीं, और मुस्कान होना उसके साथ में। नहीं यार, तूने मूड बनाया बात का, ये लव सुनने के लिए तो जिंदगी गई मेरी पूरी जिंदगी। ये लव सुनने के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेरे दांव पे लगा दी। बराबर है कि गलत है? हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग हैं आज अकोला में और हम लोग आज आए हैं मुरली भाई के पास चाय पीने के लिए, जो कि अकोला में बहुत ही फेमस है। तो ये बात मैं नहीं बताने वाला हूँ, ये आपको गूगल पे खुद सर्च करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लिखा गया है कि आप किसी से मत पूछिए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए अकोला की बेस्ट चाय। तो ये जो है वो अकोला की बेस्ट चाय है। हम लोग इसे ट्राई करने के पहले इसे बनने की प्रोसेस देखते हैं, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने इस चाय को अकोला में ट्राई किया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग खुद गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि अकोला की बेस्ट चाय कौन सी है। तो आइए बात करते हैं अकोला की सबसे फेमस चाय, जो कि है मुरली चाय, उनके ओनर से। सर आपका नाम? मुरलीधर माधवराव सुरू है। क्या इस शॉप का एड्रेस? नेहरू पार्क चौक अकोला। ओके, तो ये कितने टाइम से? 97 से। मुरली भाई, हमें आपके बारे में बताइए, और आपने जो ये फोटो लगाया बाला साहेब जी ठाकरे के, इसके बारे में कुछ बोलिए। मेरी स्टोरी बताएं, बस स्ट्रगल करके पहुंचे यार। क्या अच्छे होने के बावजूद स्कूल छोड़ना पड़ा, मजूरी पे लग गए, बाद में खुद का डाल दिए, चल पड़े। आपको कैसा लगता है जब आपको कोई बाला साहेब जी ठाकरे के नाम से जानता है, तब आप इनकी स्टाइल भी देख सकते हैं, इनके गले पे जो इन्होंने सब कुछ पहना है, लॉकेट वगैरह वो देख सकते हैं आप, सेम टू सेम बाला साहेब जी ठाकरे के जैसा है क्या। तो आइए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुरली भाऊ की चाय जो है वो बनती कैसे है। शक्कर डाल लिया मैंने 20 चम्मच, कौन सर पत्ती डाल लिया मैंने 4 चम्मच, स्वाद के हिसाब से पत्ती आगे पीछे होती रहती, घोटना पड़ता शुरू से। अगर पहनने में लग गया तो कोई मतलब नहीं हो चाय का। हाँ, ये चाय बॉइल हो रही, 15 से 20 मिनट उसको उबालना पड़ेगा। एक धारा में जब चाय बनेगी वो तो उसका मजा आएगा, उसका कलर आने को ना बादाम शरी का उसका कलर आने के बाद में उसको छानना पड़ता, उसके पहले नहीं, तो मज़ा चल जाता। ज़्यादा पकाओ तो भी मज़ा जाता, कम पकाओ तो भी मज़ा जाता, क्या बात, सही समय पर ही उसको छानना पड़ता। और घोटने में पड़ता उसको रिदम में, कुछ भी ऐसा नहीं, देखो रिदम में। चाय बनाना एक आर्ट है और एक टेक्निक है। नहीं उठता, क्या बात है, डाल दी चाय पत्ती, डाल दी हो गई चाय, इसलिए ये अकोला की इतनी फेमस चाय है। ये बेफिजूल में अच्छी नहीं लगती, मैं बोला ना कि कम समय में भी तुमने छाने तो भी मजा जाता, ज्यादा समय में भी छाने तो मजा जाता, उसको सही समय पर ही छानना पड़ेगा। क्या बात है, हर चीज में टाइमिंग बहुत मायने रखता है, हर चीज। क्या बात है, तुम्हारी जिंदगी की टाइम, तुम्हारी जिंदगी में टाइमिंग बहुत मायने रखता है ना, मान लो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, तुम सीखो कुछ, निसर्ग ने बहुत कुछ दिया अपने को, मैं यहाँ से सीखता हूँ, यही है सब, यही आजमाता। मतलब आप चाय से बहुत कुछ सीखे हो लाइफ में, क्या बात है। चाय ने मेरे को सब, चाय ने जिंदगी सिखाया, सब जगह पॉपुलर हुआ मैं, और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती चाय पी के, और क्या होना, एक घंटे भर की उसको ताजगी मिलती, क्या बात है, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है भाई, किसी के काम तो आ रहा, दुनिया में आए तो। जैसी धार बनना चाहिए। तो ये बनने जा रही है हमारे लिए अकोला की सबसे फेवरेट और सबसे फेमस मुरली भाऊ की चाय।
अब हमारी जो चाय है उबल रही है और ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुकी है, तो आइए अब इसे हम लोग ट्राई करते हैं। तो अब इस चाय को उसका तार का भी टूट गया, पीने का भी स्वाद भी फैल गया, स्वाद बहुत सारा है। पैसा लोग माने नहीं मानते, कुछ भी बोलते हो भाई। मैं चाय कपड़े से ही छानता। फाइनली हमारी जो चाय है ये बनके रेडी हो चुकी है, तो आइए अब हम लोग इसे ट्राई करते हैं। तो ये हमारी चाय आ चुकी है, तो आइए अब इसे ट्राई करते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं मुरली भाऊ की अकोला की बहुत ही फेमस चाय और बहुत ही पॉपुलर चाय, हम इसे टेस्ट करते हैं। क्या बात है, चाय का टेस्ट बहुत बढ़िया है। चाय का टेस्ट इतना बढ़िया है कि आप जब भी अकोला आओ एक बार ये चाय जरूर टेस्ट करो। और अगर आपने इस चाय को टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो यहाँ पे एक कस्टमर है, आइए उनसे रिव्यू लेते हैं। सर आपका नाम? क्या बात है, क्या बात है।